ये अपना बीच एंट्री आ गया यहाँ पे, और ये कंचन वॉक करते करते आ रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, सुकून बीच के पास आके ही मिलता है। मैं लगा था कि इंडिया में इतने क्लीन बीचेस नहीं होंगे, बट लिटरली क्लीन बीच है यार, फॉरेन जैसा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। कुछ ऑप्शन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि वो सब एरिया है वो डायरेक्टली बीच फेसिंग प्रॉपर्टी है, वो आपको ऑनलाइन मिलेगा शायद से। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू टूडेज वीडियो। आज हमारा फर्स्ट डे गोवा में, बेसिकली साउथ गोवा यू कैन से। तो कल राजस रात को 9 बजे चेक इन किए, तो कल रात को थोड़ा सा थक गए थे, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी जस्ट हम फ्रेश हो गए हैं, थोड़ा सा मैं लेट स्टार्ट किया क्योंकि टायर्ड थे, 10-12 आवर्स की बाइक राइड थी। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, फटाफट कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, लंच करते, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। जैसा जैसा रहेगा आपको बताते जाऊँगा अपना पूरे दिन का प्लान। बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ प्लान किया हुआ है, जैसे वर्क फ्रॉम वैकेशन, ये सब कंसेप्ट को थोड़ा सा इवॉल्व करना है, कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो बने रहिए हमारे साथ और कीप सपोर्टिंग। कंचन वहाँ पे जा रही है आगे आगे, ये हमारी बाइक, कल इसने बहुत सपोर्ट किया, धोखा नहीं दिया, तो अभी इसको आराम करने देते हैं, हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो चलो अभी निकलते हैं, थोड़ा सा प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। हम जो प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हैं वो बीच के जस्ट बाजू में है, और ये सब जो देख रहे हो पूरा कैथोलिक कल्चर, यहाँ पे स्मेल आ रही है, कैथोलिक वाली फीलिंग आती है राइट। और ये सब जो लोकेलिटी है प्रॉपर कैथोलिक लोकेलिटी है। ये हमारे दोस्त लोग कल हम पे भौंक रहे थे, अभी हमारा सेटिंग हो गया है, तो दे आर फाइन विद दैट। ऑलराइट, सो बेसिकली कल का थोड़ा सा टायर्डनेस है, इसलिए कंचन शांत है, बट वी विल मैनेज, धीरे धीरे हो जाएगा एक बार जब स्टार्ट करेंगे तो। और तो वही अपना फर्स्ट टारगेट है, भूख लगी है तो खाना खाने जाएंगे। गुड पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज यहाँ पे आपको मार्केट मिलेंगे, यहाँ पे सारे मार्केट है, ये साइड भी मार्केट है और वो साइड भी अच्छा खासा मार्केट है। ये सब लाइन में सीक्वेंस में आपको मार्केट ये सब मिलेंगे, ऐसा नहीं शांत है पूरा है, लोग बहुत हैं यहाँ पे। ये सब यहाँ पे मार्केट ही है, बैक टू बैक सारे मार्केट दिख रहे हैं, तो सारे लेडीज शॉप ही लग रहे मुझे, ग्रॉसरीज एंड ये सब। वेज थाली 150 रुपये का, नॉन वेज थाली यहाँ पे 250 के आसपास है, कंचन नॉन वेज प्रेफर कर रही है। फिर को रेस्ट किया, ज़्यादा मैंने वीडियो बना नहीं वो टाइम पे, तो अभी हम शाम हो गए हैं, शाम के टाइम पे हम लोग पैलोनियम बीच आए हैं, जो जस्ट बाजू में ही है हमारे। तो पैलोनियम बीच कुछ इस तरह दिखता है, और हाँ आपको मैं अपने डिटेल्स अपने वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, तो मैं आपको हर एक छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। गैस सनसेट होने वाला है, हमने दोपहर को इतना शूट नहीं किया, खाना खा के हमें थोड़ा सा टायर्ड फील हुआ, हम थक गए थे, तो अभी शाम हो गया है। और हाँ, हमने जो लंच किया था तो यहाँ पे डिफरेंट, आपको पता होगा कॉस्ट इतने आपके डिपेंड करता है, आपके ऊपर आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। तो आपको थाली भी मिलेगा 150 वेज थाली, एंड नॉन वेज थाली आपको मिलेगा 220 के हिसाब से जो भी रेट था। तो हमने ऐसे इकोनॉमिक वैसे खाना खाया। तो अभी शाम को हम पैलोलम बीच आए, जो होटल के जस्ट बाजू में, होटल या रिसोर्ट आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये सब बीच है, अभी सनसेट हो गया है, बट अच्छा लग रहा है। आज का दिन पीसफुल ही गया, थोड़ा सा रेस्टिंग किया मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बहुत टायर्ड थे कल से बाइक राइड की जर्नी की वजह से। तो अभी रात के 8:30 बज गए, तो अभी हम कुछ खाना ऑर्डर करके खा लेंगे। ये हमारा डिनर है, वेज सिजलर कंचन ने ऑर्डर किया, इसका कॉस्ट है 320, तो हम लोग के लिए सफिशेंट है, तो दोनों लोग इन्जॉय करेंगे। एंड आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू।